अस्सलाम वालेकुम, राबे की किचन में आप सबका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बनाएंगे राबे की किचन में गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्पेशल मोदक, और ये महाराष्ट्र स्वीट डिश है और ये बहुत ही आसान और लाजवाब डिश है। तो स्पेशल मोदक की रेसिपी देखें और अपने घर में जरूर ट्राई करें। तो चलते हैं मोदक बनाने की तरफ। तो हम लोग सबसे पहले मोदक की स्टफिंग बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ली हूँ एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच से घी। ये है पूरा एक अखा नारियल जिसको मैंने बारीक ग्रेट कर ली ऊपर का छिलका निकाल कर। तो इसको सबसे पहले डालेंगे। और ये है खोया, इतना मेरे पास रखा हुआ था तो ये भी मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको मिलाना है तो मिला लो वरना स्किप कर दो। और ये है गुड़, गुड़ भी डाल सकते हैं आप लोग, जैगरी भी डाल सकते हैं। तो ये गुड़ है, मैं थोड़ा थोड़ा बारीक चॉप करके ली हूँ, ये भी डाल देंगे इसी में। अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे कलर चेंज होने तक, और आहिस्ता आहिस्ता भुनने से इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू भी इसमें निकलेंगी। और ये है बादाम 4 से 5, इसको बारीक चॉप करके ली हूँ मैं, ये भी डाल देंगे इसी में। और ये है 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, ये भी इसी में डाल देंगे। थोड़ा हल्का से गुड़ का पानी सूखने तक पका लेंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो चिक्की की तरह कड़क हो जाएगा गुड़ का स्टफिंग हमारी। इसको 1 से 2 मिनट और पका लेंगे और गैस बंद कर देंगे। तो स्टफिंग हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको गैस बंद कर देंगे और थोड़ा हवा के नीचे रखेंगे, सूख जाएगा और ये पूरी प्रॉपर हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो जाएगी। अब हम लोग चावल का आटा गूंदने के लिए लेंगे एक कढ़ाई और उसमें 1 कप डालेंगे पानी। 1 कप आटे के लिए 1 कप पानी लगेगा, तो 1 कप मैं डाल रही हूँ उसमें पानी। पानी हमारा बॉयल होने के लिए रखी हूँ मैं, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और थोड़ा से नमक। अब इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। चावल के आटे में मैंने 1 चम्मच साबुदाना लेके पीस के डाली हूँ पाउडर करके। तो आप लोग भी इसी तरह एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें डालेंगे ये आटा, और आटा डालने के टाइम गैस स्लो कर रखेंगे, तब जाके हम लोग आटा मिलाएंगे अच्छे से। अब ये आटे को मैं ढक के रखूंगी 2 से 3 मिनट तक, ठंडा भी हो जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा, वो नरम हो जाएगा। अब गर्म में हाथ नहीं लगा सकते इसको, आटा एकदम नरम होने के लिए हम लोग इसको ढक के रखेंगे। तो अभी ये थोड़ा से ठंडा हो चुका है, अब इसको मैं डाल के अच्छे से मैश कर लूंगी दूसरे बर्तन में। तो इससे थोड़ा मिला लेंगे ताकि गुठलियाँ जो भी बनी है वो पूरी सही हो जाए। एक चम्मच घी डालकर अच्छे से नरम गूंदना है आटे को। तो इसको 8 से 10 मिनट लगा है मेरे को अच्छे से गूंदने के लिए, जितनी ताकत है उतनी लगा के आप लोग अच्छे से गूंदो इसको। और आटा एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, आटा हमारा अच्छा गूंदने से ही हमारे मोदक अच्छे बनेंगे। तो अभी हमारा आटा रेडी हो चुका है, तो थोड़ा आटा ऐसा लेके देख लेंगे कि कैसा लगता है, और फिर इसको थोड़ा गोल आकार में करके देख लेंगे। अगर ऐसा गोल अच्छे से बनता है तो समझो हमारा आटा अच्छे से गुना गया है, ठीक है। तो अभी आटा अच्छे से हो गया है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते। तो ये अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, बनाने के लिए पूरी तैयार है ये। तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें से 1 बॉल जितना निकालेंगे हम लोग। अगर आपको बड़ा साइज का मोदक बनाना है तो आप लोग बड़ा बॉल निकाल लेना थोड़ा से, अगर मीडियम बनाना है तो मीडियम। तो मैं मीडियम साइज़ के बताऊँगी आपको, तो मैं लेके बता रही हूँ आपको कैसे बनाते। तो अब हल्का से आटे में हाथ डस्ट कर लेंगे और थोड़ा से इसको गोल कर लेंगे, अच्छे से गोल राउंड बना लेंगे, ठीक है। अब दोनों हाथ को थोड़ा आटे में हाथ ऐसा कर लेंगे और ये अंगूठे से बीच में ऐसा दबाते जाएंगे, कटोरी टाइप बनाएंगे ऐसा। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है, मोदक बनाना इतना हार्ड नहीं है, इसलिए आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई करना। घर में भी ऐसा मीठे के तौर पे आप लोग बना के खा सकते। अगर हाथ चिटकता है तो फिर वापस से थोड़ा हाथ में आटा लगा लेंगे और ये ऊपर पतला पतला ऐसा हाथ से करते जाएंगे।
अब एक कटोरी के ऐसे हो चुका है, एक चम्मच स्टफिंग डाल देंगे इसमें। अब ये हाथ इसको करेंगे ऐसा, ये उंगली से ऐसा नीचे की तरफ ऐसा दबा देंगे इसको, फिर ऐसे गोल गोल घुमा के ऐसे ही पूरा दबाते जाएंगे। तो इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे करेंगे और एक हल्का से ऊपर का ऐसा शेप दे देंगे। तो ये हमारा बनके रेडी हो गया एक मोदक। अब मैं इसी तरह से आपको सब बना के बताती हूँ। अगर दूसरी और डिजाइन निकालना है तो आप लोग नीचे से इसको हल्का से ऐसे करो, एक एक हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा हल्के हल्के से दबाते जाओ, एक फूल के जैसा दिखेगा ये। तो ये भी एक डिजाइन हो जाएगा अच्छे से। तो ये डिजाइन से भी आप लोग बना सकते हैं, सादा भी बना सकते हैं। आप लोग को जो आसानी लगेगा वो आप लोग बना लेना, ठीक है। तो इसी में सब बना के आपको बताती हूँ। तो ये इतने अच्छे से मैंने 7 मोदक बनाई हूँ, आप लोग भी इसी तरह ट्राई करना। अब इसको हम लोग स्टीम करेंगे। ये हमारा स्टीमर है। अगर आपके पास केले का पत्ता है तो आप लोग केले का पत्ता भी रख सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं बटर पेपर रख रही हूँ। तो इस पर थोड़ा हल्का से ब्रश से घी लगा लेंगे। तो अब एक एक करके इसमें हम लोग रख देंगे। तो ये मेरे पास थोड़ा केसर है तो इस पर मैं केसर रखूंगी थोड़ा, एक एक दो दो, ताकि इसका कलर छूटे तो अच्छा लगे। अब इसको गर्म पानी के ऊपर हम लोग रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो अभी हमारा पानी गर्म हो रहा है स्टीम के लिए, तो अब इसके ऊपर ये रख देंगे। अब स्टीम के लिए हम लोग ने रख दिया इसके ऊपर। अब इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको खोल के बताती हूँ। तो अभी हमारे मोदक हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया केसर का। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। और जिस तरह मैं ये मोदक बनाई हूँ इसी तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।